नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है दरभंगा जिला से। बता दें, बिहार के दरभंगा में एसएसपी बाबूराम जो दरभंगा के हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से बताया है कि आज जो गिरफ्तारी हुई है, जो प्रेस वार्ता में कहा गया है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। राजमार्गों पर सामान लदे ट्रकों की दर्जनों लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य गिरोह का उद्भेदन एवं गिरफ्तारी की गई है। साथ ही लूटे गए माल को छिपाने एवं खपाने में संलिप्त नवगछिया जिला, कटिहार जिला एवं पूर्णिया जिला के कई सफेदपोश लोगों का पर्दाफाश हुआ है। सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि पकड़ाए गए अपराधियों से पूछताछ करने पर अपना जो नाम उन्होंने बताया है वो है यामिन, पिता मकसूद कामरा, थाना सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। दूसरा नाजीम उर्फ रसीद, पिता जो हैं तारीफ सुरूरपुर, थाना सिंभौली, जिला हापुर। मुख्तार अली उर्फ मुस्टर खलील, सुंदर थाना परचितगढ़, जिला मेरठ बताया गया है। तलाशी लेने पर इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली, 3 मोबाइल, 1 चाकू एवं सामान लदी हुई डीसीएम ट्रक बरामद किया गया है। बरामद डीसीएम ट्रक का नंबर बारना बीटा लूट में उपयोग किया गया था। ट्रक से मिलान करने पर नंबर सही पाया गया है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों से बर्न बीटा लूट की घटना के संबंध में पूछताछ किया गया है। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये दिनांक 1/2/2021 की रात्रि में ये सभी मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट स्थित मेथी टोल प्लाजा से बर्नबीटा वाले ट्रक को रोककर अपने कब्जे में लेकर बिशनपुर थाना अंतर्गत डिलाही गांव स्थित नवनिर्मित पेट्रोल पंप सुनसान जगह देखकर ट्रक में लदे सामान बर्नबीटा को लूट लिया गया था। उक्त लूटे गए बर्नबीटा को बरामद डीसीएम ट्रक में लाद कर ले जाया गया था। इसके साथ ही आगे पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व अररिया जिला में हिंदुस्तान लीवर का सामान को भी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लूटे गए माल को छिपाने एवं खपाने में नवगछिया जिला, कटिहार जिला एवं पूर्णिया जिला के कई सफेदपोश संलिप्त हैं। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई में टीम लगी हुई है। एक सामान लदा ट्रक जो दूसरे राज्य से आ रहा था, उसको कुछ अपराधियों ने लूट लिया था और बिशनपुर थाना के पास में एक जगह पे उसमें से कुछ सामान उतार लिया था और बाकी सामान और ट्रक छोड़ दिया था। इसमें डकैती का केस दर्ज हुआ था बिशनपुर थाना में। इस केस पे थानाध्यक्ष, टेक्निकल सेल की टीम, SDPO और CTSP के नेतृत्व में इन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम किया और इसके बारे में पता लगाया। गैंग का विभाजन हुआ। इस जांच के क्रम में सामने आया कि जो गैंग है वो यूपी के लोग हैं, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और यहाँ पर आने जाने के क्रम में कुछ लोगों के साथ इनके संबंध हो गए। तो यूपी में भी इनके ऊपर दर्जनों कांड लूटपाट के वहाँ पे दर्ज हैं। यहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सामान नवगछिया जिला का एक दुकानदार है उसके माध्यम से संपर्क करके कटिहार जिला के कुछ व्यापारी लोगों को लूट का माल बेच दिया था। तो लूट का माल वहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामद भी हो गया है और 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोग लूटपाट के माल को खपाने में शामिल हैं उनके लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। इस गैंग के कुछ और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उनके लिए भी छापामारी की जा रही है। ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं? गिरफ्तारी बिशनपुर थाना अंतर्गत हुई है। पुनः ये लोग अपना ट्रक को लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, जिसके क्रम में हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। इन पर नज़र रखी जा रही थी गतिविधि में और जब टीम को मौका मिला तो उनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई है और कटिहार से लूटा गया माल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। कितना कैश बरामद हुआ सर? 2 लाख रुपए के लगभग कैश बरामद हुआ है। और इस ग्रुप में और लोग हैं क्या? इनके साथ ही कुछ और लोग हैं अभी जिनका नाम पूछताछ में सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। इनका जो सरगना है, सरगना के संबंध में उनके गृह थाना से बातचीत की गई, जानकारी ली गई तो लोकल थाना ने बताया कि इनके विरुद्ध वहाँ 1 दर्जन से अधिक लूटपाट के केस स्थानीय थाना में दर्ज हैं। और इसके अलावा हमारे बिहार के अन्य जिलों से भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अभी तक अररिया जिला का एक मामला सामने आया, वहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का सामान लदा एक ट्रक इन्होंने लूटा था। इसके अलावा और जिलों को भी खबर की गई है और जगह से भी इस तरह के मामले सामने आने की संभावना है। सर, भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हो, दरभंगा पुलिस इसके लिए कैसी तैयारी कर रही है? देखिए, गश्ती को हम लोग लगातार NHP अपना अलर्ट मोड में रखते हैं। इसके अलावा हम लोग अतिरिक्त टीमें भी गश्ती के लिए लगाए रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये ट्रक इन्होंने हाईजैक किया हमारे जिला के बाहर की सीमा से और वैसी परिस्थिति में पुलिस को ये पता नहीं चलता है कि किसी अमुक ट्रक में जो लोग बैठे हैं वो उसके वास्तविक मालिक ड्राइवर हैं या फिर कोई और है। तो ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है।
और इसका ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अक्सर जो ट्रक को हाईजैक करते हैं तो ऐसे बॉर्डरिंग इलाके में करते हैं जहां पर पुलिस की प्रेजेंस इनको कम नज़र आती है। इसका कोई मास्टरमाइंड है जिनके सारे करते हैं? गैंग का जो लीडर है उससे पूछताछ में काफ़ी कुछ सामने आई हैं चीज़ें। ये खुद से NH पे मौजूद रहते हैं कहीं ना कहीं, और अपना जो टारगेट इनको आसान टारगेट दिखता है उसकी तलाश में रहते हैं, और ट्रक को लूटने के बाद फिर इनके कुछ लोग हैं जो इनको लूटे गए माल को बिकवाने में यहाँ मदद करते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क करके माल को खपा लेते हैं। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है सर? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं।